कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 जारी है। अब धीरे धीरे राउंड 16 की तस्वीरें साफ होने लगी। मंगलवार देर रात को इंग्लैंड और वेल्स के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें इंग्लैंड ने 3-0 से जीत दर्ज की। इंग्लैंड इसी के साथ फीफा वर्ल्ड कप के राउंड 16 में पहुंच गया। खिलाड़ियों ने इस धमाकेदार जीत का जश्न अपने पार्टनर्स के साथ मनाया। वेल्स के खिलाफ हुए मैच के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों को स्टैंड्स में अपनी पार्टनर्स के साथ देखा गया। यहां जैक ग्रेश ने अपनी गर्लफ्रेंड साशा एडवुड को गले लगाया, जबकि बुकायो साका ने भी अपनी गर्लफ्रेंड तुलामी को अपनी बाहों में समेट लिया। इंग्लैंड टीम के लिए गोलकीपर एरोन रामस्डेल ने अपनी पार्टनर जॉर्जिना इरविन को स्टैंड से ही किस किया। इंग्लैंड की टीम के अन्य खिलाड़ी ने भी अपने परिवार के साथ मस्ती की। बता दें, इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप में अभी तक 3 मैच खेले हैं, उनमें से 2 में जीत और 1 मैच ड्रॉ हुआ। इंग्लैंड के मार्कस रशफोर्ड के 2 और फिल फोडेन के 1 गोल की मदद से वेल्स पर 3-0 की जीत से फीफा विश्व कप के राउंड 16 में प्रवेश किया। इंग्लैंड के कोच गैरेथ साउथगेट ने ग्रुप बी में टीम के अंतिम मैच में दोनों खिलाड़ियों को शुरुआती लाइनअप में रखने का फैसला किया। ग्रुप में शीर्ष पर रहने वाली इंग्लैंड टीम अब रविवार को राउंड 16 में सेनेगल से भिड़ेगी। वेल्स की टीम ग्रुप में अंतिम स्थान पर रहकर बाहर हो गई, जो 64 साल में पहले विश्व कप में खेल रही थी। अमेरिका ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहा, जो अब नीदरलैंड से भिड़ेगा, जबकि ईरान तीसरे स्थान पर रहकर बाहर हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।